हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। अमूल के पेज पे आप सबका स्वागत है। हेलो, यू मोस्ट वेलकम सुरुजी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अमूल वंस अगेन टुडे। सबका स्वागत है अमूल के एफपी पेज पे, फेसबुक पेज पे। और आज के सेशन के लिए आज हम बना रहे हैं, हेलो, आज हम बना रहे हैं केसर पिस्ता कुल्फी। एंड आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। प्लीज एक थम्स अप भेज दीजिए इफ यू कैन हियर मी क्लियरली। If you can see me clearly, तो एक thumbs up भेज दीजिए please। Hello रेशमा जी, hello। Thank you आकांक्षा। Okay, so I am audible and visible, clear है सबके, सबको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है और video clear है, आप मुझे देख पा रहे हैं। हेलो सतनाम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत बड़ा दिन है, मदर्स डे का दिन है। और एक्चुअली तो मदर्स का कोई स्पेशल दिन होना नहीं चाहिए, बिकॉज हर दिन मदर्स का डे है। अगर मदर्स ना हो तो हमारी लाइफ वाकई बहुत इनकम्प्लीट है। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है मिसेस गायत्री रतन, मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ और आई एम अ यूट्यूबर एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैं खुद बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस में मेरा खुद का सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप उस चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज मिलेंगी। अभी परसों भी हमने अमूल पे एक सेशन किया है तो बहुत लोगों ने प्यार दिया, काफी लोगों ने मेरा चैनल भी देखा है और मुझे कमेंट किया है कि मैम हमने आपका सेशन देखा था और उसके बाद आपका चैनल देखा है, द रेसिपीज आर अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच। अगर आप सब ने आज फिर ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर गोइंग एंड विजिटिंग माय चैनल। और उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है बाय द नेम ऑफ गायत्री कुकिंग क्लब और गायत्री रतन। मैंने सारी जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप प्लीज विजिट करें, मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो करें, लाइक करें, क्योंकि वहां पे भी मैं लाइव सेशंस लेती हूँ, फ्री लाइव सेशंस। अभी हाल ही में हमने आइसक्रीम्स बनाई हैं, शरबत बनाए हैं और अभी ब्रेड्स के सेशन शुरू होने वाले हैं, तो आपको जरूर पसंद आएगा। हाय यशोदा जी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज केसर पिस्ता कुल्फी। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो दूध है अमूल गोल्ड, ये देखिए फुल फैट क्रीम मिल्क है अमूल का, ये एक लीटर लिया है और इसे मैंने बस गर्म होने रखा है, क्योंकि हम लाइव सेशन करते हैं और लाइव सेशन में हमारे पास टाइम
वैसे तो अमूल की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता, बट टाइम कंज्यूमिंग होता है कुल्फी बनाना, हमें दूध को पहले गर्म करके थोड़ा रिड्यूस करना पड़ता है। तो मैंने बस अब लाइव चालू होने के 5 मिनट पहले ही 1 लीटर दूध जो है थोड़ा गर्म होने रख दिया है, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम जो है बच सके। हाय यशोदा जी, तो आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट्स हो, प्लीज आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं सबके जवाब दे दूंगी। और साथ ही मैं इस सेशन को शेयर कीजिए गाइज, अमूल हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपीज लाता है और मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड और प्राउड फील करती हूँ कि मैं अमूल के साथ जुड़ी हूँ। और ये एक बहुत ही प्यारी जर्नी रही है, लॉकडाउन के टाइम से हम सब जुड़े हैं और हम शेफ साके आपके साथ अपने जो रेसिपीज हैं वो शेयर कर पाते हैं और आप लोग भी बहुत प्यार देते हैं, सो थैंक यू सो मच। और आपको अगर मेरी रेसिपी आज पसंद आती है या मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही में मेरे फेसबुक पेजेस को भी फॉलो करें। तो इस वक्त हम दूध को गर्म कर रहे हैं, अभी तक इसमें बॉईल नहीं आया है, जस्ट बॉईल आने ही वाला है। आपको इसको कंटिन्यू स्टर करना है क्योंकि ये फुल फैट क्रीम मिल्क है और अगर आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये नीचे लग सकता है। प्रीति जी, मैं आज बना रही हूँ केसर पिस्ता कुल्फी। तो देखिए इसमें बॉईल आने ही वाला है, तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप मिल्क पाउडर। अब ये अमूल का अमूल्य डेयरी व्हाइटनर है, लेकिन आपके पास जो मिल्क पाउडर हो आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे मिल्क पाउडर को इसमें मिक्स करूंगी ताकि किसी भी तरह की गुठलियां ना पड़े। तो मेरा जो दूध है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे है इस वक्त। इस तरह से अगर आपको एक आध गुठली लगती है तो आप स्पैटुला से इस तरह से उसे स्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कुल्फी बनती है और अमूल के प्रोडक्ट्स इतने प्योर हैं, इतने नेचुरली इनका मिल्क और जो कहिए अपना घी कहिए क्रीम कहिए तो बहुत इजी हो जाती है लाइफ। और ये इतनी बढ़िया और क्रीमी कुल्फी बनती है कि आपको इसमें मावा या खोया डालने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। हेलो शुभम जी, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ये काम करना है। ये काम करते हुए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें बिकॉज दूध जो है जल सकता है और जब इतनी टेस्टी कुल्फी खानी है तो थोड़े पेशेंस तो रखने ही पड़ते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में डालते जाइए और अगर आपकी कोई क्लासेस की भी क्वेरी हो, जैसे मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ मुंबई महाराष्ट्र में, बेकिंग कुकिंग और बहुत सारे क्लासेस, तो अगर उसकी भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे फेसबुक पेज के मैसेंजर में या मुझे मैसेंजर पे आप
ये कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू अंजना जी, विशिंग यू द सेम। तो इसकी जो मलाई है वो हम साइड से स्क्रेप करके इसी में मिक्स कर रहे हैं। और ये कुल्फी की खासियत ये है कि आपको इसे काट के रबड़ी जैसा एकदम नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। हमें इसे इतना नहीं काटना है कि वो रबड़ी बन जाए, वो अपने आप थिक बन जाता है। मैं आपके साथ सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो लास्ट तक बने रहें। और मैंने आपके लिए कुल्फी जो है केसर पिस्ता रेडी करके भी रखी है एक बैच, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा। अंजना जी, इस वक्त एट दिस टाइम मैंने सिर्फ 1 लीटर अमूल गोल्ड जो है हमारा फुल फैट मिल्क ये लिया है, इसे गर्म होने रखा है। और इसमें हल्का सा जो बॉईल आने लगा, बॉईल आया नहीं है, जस्ट दूध गर्म हो जाता है ना, जो बॉईल आने की स्टेज पे होता है, तब मैंने इसमें डाला है 1/2 कप मिल्क पाउडर। तो मैंने अमूलिया का डेयरी वाइटनर डाला है, आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए ये ऑलमोस्ट बॉईल होने की अर्ज पे है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे किस तरह से बिना रबड़ी कंसिस्टेंसी तक लेके जाने के हम इसे इस तरह से क्रीमी बनाएंगे कि ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। इसमें ले आओ, टेक दिस। शेयर कीजिए गाइस, काइंडली शेयर द लाइव, और भी लोग जुड़ पाए, हमारा ये सेशन देख पाए। परसों मैंने इसी अमूल के सेशन में पनीर टिक्का पिज्जा बनाया था, काफी लोग जुड़े थे, काफी लोगों ने प्यार दिया था। उसकी रेसिपी भी आपको अमूल के पेज पे आपको लाइव सेशन मिल जाएगा, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो रेसिपीज देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दूध जब तक गर्म हो रहा है, यहाँ मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, दिस इज 2 टीस्पून, ठीक है, 2 टीस्पून भी नहीं कह सकते आप, मैंने ना 1/2 टीस्पून है लगभग। और इसमें मैं नॉर्मल हमारा ठंडा दूध जो है वो डाल रही हूँ, तो 4 से 5 चम्मच मैंने डाला है। अब अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर यूज कर सकते हैं 2 टीस्पून, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कस्टर्ड पाउडर यूज करें, एक तो कलर भी बहुत प्यारा आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो ये देखिए, ये मैंने वेनिला फ्लेवर का जो कस्टर्ड पाउडर है इसे मैं घोल के रख रही हूँ इस तरह से, आई होप आप देख सकते हैं। अब इसी में मैं डाल रही हूँ केसर, जो केसर है वो मैं इस कस्टर्ड पाउडर में ही डाल के छोड़ रही हूँ। जनरली केसर को गर्म दूध में मिलाया जाता है, लेकिन मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, जो कस्टर्ड पाउडर का जो घोल होता है उसी में मैं केसर के स्ट्रैंड्स इस तरह से डाल देती हूँ, तो केसर भी अपना कलर और फ्लेवर इसी में रिलीज कर लेगा। ठीक है, हमारा फ्लेम बंद हो चुका है बिकॉज टाइमर सेट था इस पे। अच्छा, अब ये दूध जो है काफी हद तक गर्म हो चुका है, रिड्यूस तो नहीं हुआ है, हल्का सा ही रिड्यूस हुआ है, बट काफी क्रीमी लग रहा है, तो फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे हम। इस
इसमें एक और एक बॉईल आने देंगे, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे है इस वक्त। थैंक यू गौरी जी। हेलो गौरव जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये स्क्रेप कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज केसर पिस्ता कुल्फी। I'm waiting कि इसमें हल्का सा बॉईल आ जाए, तो इसके बाद मैं इसको क्रीमी करने के लिए इसमें ऐड करने वाली हूँ अमूल फ्रेश क्रीम। ये बहुत ही बढ़िया कुल्फी बनती है। तो ये देखिए अमूल फ्रेश क्रीम का हाफ टेट्रा पैक मैं इसमें डालूंगी, यानी कि ये 250 ml है, तो मैं 125 ml क्रीम इसमें डालूंगी। इससे ये और क्रीमी हो जाएगा। इससे इसको और ज्यादा बढ़िया क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। ये अभी से बहुत ही थिक और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इसका कलर भी ना हल्का सा ऐसे क्रीमिश जैसा हो गया, बिकॉज हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, अमूल्या का डेरी वाइटनर डाला है, तो ऑफ वाइट सा कलर हो गया है, बहुत ही बढ़िया सा जैसे बासुंदी का कलर होता है। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू हीरा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी मदर्स डे टू यू एज वेल। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको और कौन सी रेसिपीज देखनी है, तो मैं अमूल में डेफिनेटली ये उनको सजेस्ट करूंगी कि हमारे व्यूअर्स और ये रेसिपीज देखना चाहते हैं, एंड आई विल कम अप विद ऑल दोज रेसिपीज फॉर यू गाइस। गौरव जी अभी तक तो बनी नहीं, आपके मुंह में पानी आ गया, आप तो बनने दो, और जो मैंने बना के रखी है आप वो देखिए, तो आप डेफिनेटली फिर इसे जरूर बनाएंगे। हाय रिंकू जी, थोड़ा सा पेशेंस का काम है, लेकिन फिर भी ये वर्जन जो कुल्फी का है वो बहुत इजी है, क्योंकि हम इसे रबड़ी बनाने तक नहीं पका रहे हैं, हम इसे इस तरह से पका रहे हैं कि ये खुद ही क्रीमी हो जाए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ, और हमारा टाइम थोड़ा बचे। अच्छा सूरज जी, आपको अमूल कूल मिल्क सीखना है, अमूल वाले तो बोलेंगे कि वो आप हमसे खरीद क्यों नहीं रहे, अमूल का बहुत टेस्टी होता है, बट डेफिनेटली अगर आप फ्लेवर्ड मिल्क सीखना चाहते हैं तो आई विल कम अप विद दैट सेशन, जिसमें मैं आपको 5 तरह के फ्लेवर्ड मिल्क सिखाऊंगी। तो आप अपनी रिक्वेस्ट प्लीज कमेंट सेक्शन में डालते जाइए, सो दैट वी कैन वर्क, अमूल का टीम एंड वी कैन वर्क टुगेदर टू गेट दोस सेशंस फॉर यू। तो अब हमने इसे उबाले रखा, ये जब थोड़ा सा उबला, आई मीन पूरी तरह से बॉईल नहीं हुआ बट बॉइलिंग स्टेज पे आया, तो हमने इसमें डाला हाफ कप अमूल डेरी वाइटनर। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लें। और उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा पकाया, उसके बाद मैंने इसमें डाला है हाफ टेट्रा ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम। हाफ टेट्रा इज इन छोटा टेट्रा पैक, विच इज 250 ml, तो मैंने 125 ml इसमें डाला है। What remix do you want to see, Suru ji? Thank you, Naseem ji. Thank you, Naseem Sultana ji. Thank you so much. Seema ji, अगर आप देखना चाहें तो आप प्लीज मेरे फेसबुक पेज गायत्री कुकिंग क्लब के फेसबुक पेज पे चले जाइए,
मैंने अभी वहाँ पे तरह तरह की आइसक्रीम सिखाई है, वो भी प्रोफेशनल लेवल तक। नेचुरल आइसक्रीम प्रोफेशनली आप उसे बना सकते हैं घर पे विदाउट एनी स्टेबिलाइजर्स और केमिकल्स के, और आप उसका बिजनेस भी कर सकते हैं। साथ ही में मैंने उस पर शरबत भी सिखाए हैं। तो आप प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, जिसमें आपको कई तरह की शरबत की रेसिपीज, कुछ प्रीमिक्सेस की रेसिपीज मिलेगी। और साथ ही में आप मेरे फेसबुक पेज को देखिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहां पे भी लाइव सेशंस करती हूँ। तो ये देखिए, ये काफी हद तक थिक हो गया है मिल्क। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ ये हाफ कप से थोड़ा कम, अप्रोक्सीमेटली ये है से 1/4 कप से थोड़ा ज्यादा, हाफ कप से थोड़ा कम, मे बी 1/3 कप पकड़ लीजिए आप, वैसे ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है। तो इसमें है पिस्ता, बादाम और थोड़े से काजू, जिसको मैंने क्रश कर लिया है, तो वो ऐड कर रही हूँ मैं। ड्राई फ्रूट हमेशा श्रद्धा अनुसार जितना आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। साथ ही में मैं डाल रही हूँ इसमें 1 teaspoon इलायची पाउडर, चीज केक, ओके। और ये इलायची पाउडर डालते ही बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मोमोज डेफिनेटली, मैं मोमोज की रिक्वेस्ट मेरे पिछले सेशन में भी आई थी, तो मैं डेफिनेटली मोमोज का सेशन करूंगी। अगर मैं अमूल पे ना हो पाया तो मैं अपने फेसबुक पेज पर डेफिनेटली करूंगी। तो आप प्लीज मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं उस पर तरह तरह के मोमोज लाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गौरव जी, आई एम सो ग्लैड कि यू अप्रिशिएटिंग अस। और वाकई अमूल ने ये जो जर्नी शुरू की है ये बहुत ही बढ़िया जर्नी है, और हमें खुद शेफ्स को बहुत अच्छा लगता है कि हम आके, हमारा लिटरली मन करता है कि हम और क्या बनाएं आप लोगों के लिए, और आपकी कौन सी रेसिपी शेयर करें अमूल के प्लेटफॉर्म पे या अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप सब बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू मिस अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अनिल जी, आपने पनीर टिक्का पिज्जा ट्राई किया कि नहीं, डिड यू ट्राई इट और नॉट? तो अब इसे हम और थोड़ा सा पकाएंगे। डेफिनेटली अनिल जी, एज आई सेड, मैंने आई टोल्ड गौरव जी ऑल्सो दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम विथ मोमोज रेसिपीज, एंड इफ नॉट आई ट्राई टू स्पीक टू अमोल टीम, वी विल कोऑर्डिनेट एंड आई कम विद मोमोज रेसिपीज। बट अगर नहीं हो पाया बाय चांस इस पेज पे, तो प्लीज फॉलो माय फेसबुक पेज, आई एम गोइंग टू कम अप विद अ स्पेशल मोमो सेशन, वेज एज वेल एज नॉन वेज। सो काइंडली लाइक एंड फॉलो माय पेजेस, सो दैट द मोमेंट आई यू नो प्लान फॉर अ प्लान एन इवेंट फॉर मोमोज, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सो काइंडली लाइक, फॉलो माय पेज एंड नोटिफिकेशन आइकन जो है उसे आप सेट कर दीजिए। थैंक यू अनिल जी, हेलो सोनिया जी, हैप्पी मदर्स डे टू यू एज वेल।
काफ़ी हद तक जो है हमारा मिल्क अच्छी तरह से थिक हो गया है बिकॉज इसमें ऑलरेडी क्रीम जा चुका है, ड्राई फ्रूट्स क्रश्ड जा चुके हैं एंड उसके अलावा मिल्क पाउडर जा चुका है। Like and follow my Facebook page where you will get an option of notification, set notification. So you have to select all. Hello, Rani Paul ji. Hello. शाहीन जी एंड सीमा जी वांट मी टू रिपीट द रेसिपी। देखिए इनिशियली आई टुक 1 लीटर ऑफ अमूल गोल्ड फुल फैट क्रीम मिल्क जिसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया। एक बॉईल आने के बाद मैंने उसमें डाला 1/2 कप मिल्क पाउडर दैट इज अमूल डेयरी वाइटनर एंड अच्छी तरह से उसे मिक्स करके मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है एंड आफ्टर 1 मोर बॉईल आई एडेड 125 ml that is a 1/2 tetra pack of Amul fresh cream to this milk और उसे हम लगातार चलाते हुए पका रहे हैं। साथ ही में मैंने इसमें डाला है 1 teaspoon इलायची पाउडर एंड 1/3 cup of crushed dry fruits जिसमें बादाम पिस्ता और काजू थे। तो अब ये इस स्टेज पे हो गया है कि ये काफी क्रीमी हो गया है बट मैं इसे एक आध बॉईल और देना चाहती हूँ उसके बाद हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। मीनवाइल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि गाइस प्लीज शेयर द रेसिपी, काइंडली शेयर द रेसिपी सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन ज्वाइन। प्लीज शेयर द रेसिपी इन डिफरेंट ग्रुप्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी, मोस्ट वेलकम शाहिन जी। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे तो वहां पे मैंने एक स्पेशल कुल्फी की रेसिपी डाली है दैट इज द अमृतसरी कुल्फी जो शादियों में बनाई जाती है पंजाब में खोया डाल के, वो कुल्फी भी बहुत बढ़िया बनती है। आप प्लीज उसे चेक करें, मेरे चैनल पे विजिट करें गायत्री कुकिंग क्लब और वो रेसिपी भी आप ट्राई करें, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। थैंक यू शाहिन जी। So any other recipes you all wish me to share with you? No, I haven't added custard powder yet. मैंने custard powder 1.5 teaspoon जो vanilla flavor का है उसमें milk add करके रखा है करीब 4 tablespoon और उसी में मैंने केसर डाल दिया है। फिलहाल मैं इसे cream और पाउडर जो ड्राई फ्रूट पाउडर एंड मिल्क पाउडर उसी से पका रही हूँ। लिंक प्रीति जी मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे तो उसमें लिंक है एंड आई आस्क माय डॉटर टू शेयर इट, कमेंट्स में वो शेयर कर देगी। मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी आपके लिए, 1 मिनट आई जस्ट पिन द लिंक फॉर यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन।
देखिए मैंने कमेंट सेक्शन में जो अपना यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैंने ऑलरेडी पिन कर दिया है, तो आप प्लीज उसे विजिट करें। और प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल का आइकन जो नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि सारी जो भी मैं रेसिपीज लेटेस्ट डाल रही हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये दूध जो है अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, बस 2 से 5 मिनट में इसे और बॉईल करूंगी, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा केसर और कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो यू कैन यूज कॉर्नफ्लावर अराउंड 2 टीस्पून विथ कोल्ड मिल्क। और ये दूध अभी से बहुत बहुत ज्यादा क्रीमी और बढ़िया हो गया है। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द सेशन। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, लाइक्स भेजें। I'm making केसर पिस्ता कुल्फी टुडे। तो हमारा जो मिल्क है काफी क्रीमी हो चुका है, काफी गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कस्टर्ड पाउडर विथ केसर जो मैंने भिगो के रखा था। इसे हम स्टोर करेंगे लो फ्लेम पे। और इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूं दिस इज 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क मसाला पाउडर। जो मसाला मिल्क आता है रेडी जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, थोड़ी सी इलायची होती है और केसर होता है, तो ये ऐड कर रही हूँ मैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस तरह से सेफ्रिन एसेंस, केसर एसेंस आता है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये मिल्क पाउडर में सब कुछ है, इसमें केसर भी प्रोसेस्ड आता है, तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। मिल्क पाउडर डालते ही इसमें बहुत ही बढ़िया केसर की खुशबू और कलर आ गया है। दिस इज मोर देन सफिशियंट। आपने केसर डाल दिया, आपने ये मिल्क पाउडर डाल दिया विद केसर एंड ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर तो हमने डाला ही था, बट इन केस अगर आपके पास ये मिल्क मसाला नहीं है तो आप सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे और इस तरह से ये जो है केसर एसेंस में ये डाल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आप 1/4 टीस्पून जितना ये एसेंस डाल सकते हैं।
मैडम जी मैंने कॉर्नफ्लावर नहीं डाला है, मैंने कस्टर्ड पाउडर यूज किया है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, आप इसे काफी मतलब थोड़ा और पका लें। फिर नहीं गौरव जी, इसमें कोकोनट पाउडर ऐड नहीं होगा, वो एक अलग तरह की कुल्फी बन जाएगी। फिर दिस इज प्योरली केसर पिस्ता कुल्फी, तो इसमें ओनली ड्राई फ्रूट्स एंड केसर यही चीजें ऐड होगी। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त केसर की और ड्राई फ्रूट्स की। तो मुझे जल्दी जल्दी बताइए आपको और कौन से सेशंस देखने हैं, तो मैं उस पे काम करना शुरू कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपकी तरह इंटरैक्टिव ऑडियंस होती है। बहुत प्यार से आप लोग अप्रिशिएट करते हैं और मुझे बहुत मजा आता है ऐसे लाइव सेशन करने में, इसीलिए मैं अपने पेज पे भी लाइव सेशंस करती हूँ। तो ये देखिए कितना थिक हो चुका है ऑलरेडी। फ्लेम बिल्कुल लो है इस वक्त, बिल्कुल लो, और ये काफी हद तक थिक हो चुका है, एकदम थिक। अब हम जब इसे मोल्ड्स में डालेंगे तो बिल्कुल ठंडा करके डालेंगे, तो इतनी थिकनेस बहुत है। और अब इसमें मैं डालूंगी लास्ट में मीठा, क्योंकि हर मीठे के बगैर तो इनकम्प्लीट है हमारा कुल्फी, इनकम्प्लीट है। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ कंडेंस मिल्क मिठाई में अमूल का, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ अंदाजन हाफ टिन, दैट इज 200 ग्राम्स। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। गौरव जी बना लीजिए आप, नहीं तो आई विश मैं आप सबसे कह सकती कि प्लीज आप लोग यहाँ आ जाइए मेरे घर पे, ऑलमोस्ट इनवाइटेड, मैं आपको कुल्फी खिला रही थी। बट वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गौरव जी, आप बनाएंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है आप एक बार मुझे जरूर याद करेंगे। तो हम यहाँ पे स्वीट थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ कि प्रॉपर है क्या। It's perfect for us, I mean for me, क्योंकि हम थोड़ा सा कम मीठा ही प्रेफर करते हैं। आप चाहे तो 3/4 भी डाल सकते हैं टिन। So we are already done, ये हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाईलाइट हमारा, थोड़े से चॉप्ड पिस्ता, बिकॉज केसर पिस्ता कुल्फी विदाउट पिस्ता तो चलेगी नहीं। अनिल जी मावा जलेबी क्या बात है, अनिल जी की फरमाइश है मावा जलेबी। अनिल जी बना तो दे हम सेशन में, लेकिन वो मावा जलेबी फिर मुझे खानी पड़ेगी, आप पहले मुझे देख रहे हो मैं कैसी हूँ। थैंक यू शाहीन। थैंक यू गौरव जी, प्लीज अगर आप बना रहे हैं तो मुझ पे एक फेवर कर दीजिए, इंस्टा पे आप मुझे टैग कर लीजिएगा गायत्रीज कुकिंग क्लब पे, और पिक्चर्स पोस्ट कीजिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मुझे और अमूल को टैग कर लीजिएगा प्लीज, या आप मेरे मैसेंजर पे मुझे पिक्चर्स भेज दीजिएगा। वी विल रियली आई फील वेरी ग्लैड कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की। तो ये बिल्कुल रेडी है,
इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, बिकॉज ये देखिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा थिक हो चुकी है। आप मेरे स्पेटुला पे देख सकते हो कितनी क्रीमी और कितनी दानेदार हो गई है ये। तो बस इसको हम ऑफ कर देंगे गैस को, और इसे बिल्कुल ठंडा करना है, टोटली ठंडा करना है, फिर हमें इसे मोल्ड्स में भरना है। तो मैं इसे थोड़ी देर साइड में ठंडा होने रख रही हूँ, पूरा ठंडा तो ये इतना जल्दी होगा नहीं। तो मैं आपको मोल्ड्स बता देती हूँ कि हम इसे किस में फिल कर सकते हैं, और एक आध मोल्ड में आपको फिल करके बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे पैक कर सकते हो, और जो मैंने बना के रखी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसे मैं साइड में रख रही हूँ ठंडा होने। थैंक यू रिंकू जी। तो देखिए इसे बनाने के लिए फिल करने के लिए ये इस तरह से मटकी आती है मिट्टी की। इस मटकी को मैं कल लाई हूँ और मैंने इसे एक पतीले में पानी डाल के भिगो के रख दिया था, और फिर इसे भिगो के लाइक ओवरनाइट मैंने छोड़ दिया, और मॉर्निंग में इसे उल्टा करके इसे ड्राई होने रख दिया। लेकिन ये अभी तक ठंडी है, इतनी इसमें बहुत प्यारी लगती है कुल्फी। मोस्ट वेलकम अनिया जी। तो ये इस तरह से मट्टी की आप ये ले सकते हैं मटकियाँ, ये बहुत क्यूट भी लगती हैं। अगर आप कहीं लाइक आपके घर गेट टुगेदर है, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो ये बहुत सॉरी बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती हैं, आप इसमें फिल कर सकते हो। उसके अलावा हमारे नॉर्मल कुल्फी मोल्ड्स जो पॉप्सिकल मोल्ड्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, कांच के ग्लास यूज़ कर सकते हो, और आजकल ये पेपर कप्स मिलते हैं इस तरह से, तो इनको आप यूज करके इसमें फिल कर सकते हो पेपर कप्स में। ये भी बहुत इजी हो जाता है हैंडल करने के लिए, और आप चाहें तो इस तरह से स्टिक भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी एक दो फिल करके कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। बस आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स। एक्चुअली तो इसे पूरा ठंडा करना है, बट मुझे अभी आपको बताना है, तो मैं ये मोल्ड्स में ही डाल के इसे रख दूंगी ठंडा होने के लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी जो मैंने बना के रखी है। तो तब तक आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मैं ले लूंगी। ये जो पेपर कप्स हैं ये काफी इकोनॉमिकल होते हैं, एंड उसके साथ बेस्ट है कि ये प्लास्टिक नहीं है, तो आप इसे इजीली टेयर करके अपनी कुल्फी को ओपन कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे एज अ आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर आपने स्टिक नहीं लगाया तो जैसे हम मटका कुल्फी सर्व करते हैं उसी तरह से आप इसमें जमा के साथ में इस तरह से स्पून्स आते हैं वुडन स्पून्स में आपको दिखाती हूँ उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो आपके कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो प्लीज प्लीज फील फ्री एंड आप क्वेरीज डाल सकते हैं। स्पून बता दो। बहुत ही बढ़िया आइडिया हो जाता है गेट टुगेदर्स के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फिल करके बता देती हूँ मैं आपको। वैसे तो ये गर्म है बट मैं इसी में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए ये जैसे कप है कितनी क्रीमी बनी है, कितना ही बढ़िया इसका टेक्सचर आया है।
बिल्कुल, मैं स्टार्टर्स पे आपके लिए सेशन लाऊंगी। मैं अमूल पे डेफिनेटली आपके लिए स्टार्टर्स का सेशन लाऊंगी, नहीं तो मैं अपने पेज पे लाऊंगी। हाँ प्रीति जी, आप इसमें बना सकते हो, पान फ्लेवर बना सकते हो आप। पान फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है, आलमंड बनता है। ये एक मिनट इधर से बता दूं, इंडक्शन हटा दो। हाँ जी, लेकिन आप फिरनी के लिए ना, अगर आप ऐसे थोड़ा ओपन, ऐसे मिट्टी की जो दिए जैसी कटोरी आती है ना, अगर आप वो यूज करें तो ज्यादा बढ़िया लगता है। तो ये देखिए ये कितनी क्रीमी है, अब मैं इसे फिल कर रही हूँ। बहुत गर्म है इस वक्त ये, आपने, मेरा तो लाइव सेशन है इसलिए मैं अभी इसे फिल कर रही हूँ, लेकिन आपने इसे बिल्कुल ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे लाके फिर फिल करना है। और अब मैं इसमें देखिए मटकी में भी फिल कर देती हूँ। और मटकी मुझे पर्सनली मटकी बहुत पसंद है, मैं मटकी में ही कुल्फी बनाना पसंद करती हूँ। पर्सनली मटकी में ही कुल्फी बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें फिर वो मिट्टी की खुशबू भी आ जाती है कुल्फी में, हमें तो बहुत बढ़िया फ्लेवर उतरता है। तो इसे कर देते हैं साइड में। तो इस तरह से देखिए मैंने ये एक मटकी रेडी की है, एक ग्लास रेडी किया है। अब इस पे हम डालेंगे, देखिए इसके ऊपर मैं पिस्ता डाल रही हूँ, इसके ऊपर भी डाल देंगे। देखिए इस तरह से डाल दिया हमने। अब जैसे केसर है हमारे पास, ऊपर से हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे। ये हो गया, अब आप इसे पैक कीजिए। इसके पैक करने के दो तरीके हैं, मतलब अगर आप कैंडी स्टिक लगाना चाहें तो भी बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये फॉइल पेपर है जिसे मैंने इस तरह से कट करके रखा है। तो मटकी पे तो हम सिंपली ये फॉइल पेपर इस तरह से लगाएंगे और इसे टाइट कर देंगे इस तरह से, और ये आपकी मटकी जाएगी फ्रीजर में। ठीक है, अगर आपको लग रहा है लूज है तो आप एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं। और अभी बारी आती है इसकी, तो इसके लिए भी हम एक फॉइल पेपर लेंगे, इस तरह से इसे अच्छी तरह से प्लेस करेंगे। ऊपर का जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, देखिए इस तरह से, और फॉइल को नीचे ऐसे टक इन करते हैं। और लेंगे नाइफ, नाइफ से यहां मैं सेंटर में छोटा सा एक होल बना रही हूं, और इसमें हम डाल देंगे हमारी स्टिक। तो ऐसे दो तरह से आप जो है अपनी कुल्फीज को रेडी कर सकते हैं। ये जो कुल्फीज है ये आपकी 1 लीटर में से आराम से 6 से 7 कुल्फीज बनके रेडी हो जाएंगी।
शोभा जी, मैं ऑलरेडी 4 बार रेसिपी रिपीट कर चुकी हूँ, तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो दोबारा देख लें पूरा, और ये वीडियो अमूल के पेज पे ही रहेगा, और आपको ये रेसिपी मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है कुल्फी वो हम देख लेते हैं, और इसका जो है ढक्कन मैं थोड़ा अभी ओपन करके रखूंगी, बिकॉज ये बहुत गर्म है, मैंने आपको बताने के लिए इसे कवर किया था। ठीक है, इसे साइड में रखते हैं, आई विल डू दैट लेटर। तो आई शो यू जो कुल्फी मैंने बना के रखी है, प्लेट ले लेती हूँ प्लेटिंग के लिए। हमें एक पानी का बाउल लगेगा सो दैट हम कुल्फी को निकाल सकें। इसमें हम डिप कर लेंगे। या तो आप वहां सारी ले, तो मेरी तो कुल्फी बनी हुई है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने एक बैच ऑलरेडी बना के रखा है, और अभी ये एक और बैच जाएगा फ्रीजर में, तो मैं तो 2 दिन ये कुल्फी एंजॉय करने वाली हूँ। अब आपकी बारी है, आप प्लीज इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे मैसेज करके बताइए, मुझे इंस्टा पे टैग कीजिए। तो ये देखिए, ये मेरी कितनी सारी कुल्फियां बनके तैयार है। तो पहले तो मैं आपको मटका कुल्फी दिखा देती हूँ जो मैंने रेडी की है। बढ़िया सेट हुई है, यू कैन सी द आइस। तो ये हमारी मटका कुल्फी बिल्कुल तैयार है। एक और खोल लेते हैं हम। इसे तो मैं रख रही हूँ इस तरह से ट्रे में, सिल्वर ट्रे में। साथ में हम लगा देंगे 2 स्पून इस तरह से, ऐसे। तो आप चाहे तो इधर थोड़े ड्राई नट्स भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी मटका कुल्फी रेडी है। होप यू गाइज आर लाइकिंग इट। और अब हम इसे ओपन करेंगे। तो पानी तो एक्चुअली हमें लगता है कुल्फी मोल्ड के लिए जो हम यूज करते हैं, इसे तो मैं डायरेक्टली कट करके ओपन करूंगी। ये जो पेपर कप है इसे हम कट कर लेंगे।
से और इसे हम फाड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी कुल्फी बनी है, देखिए। इसे इस तरह से रख देते हैं और ओपन कर लेते हैं। इसे भी मैं कट कर दूंगी। ये बहुत इजी टू हैंडल होता है बिकॉज ये अंदर से कोटेड होते हैं ग्लासेस, इसे हम ऐसे रख देते हैं। और इसके ऊपर अब हम देखिए, ये हमारी मटका कुल्फी, ये हमारी, इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता डाल देंगे गार्निश के लिए। ये तो ऑलरेडी गार्निश है लेकिन फिर भी थोड़े से बताइए। अब आपको ये रेसिपी कैसे लगी? आई होप यू ऑल कैन सी क्लियरली। गौरव जी आप यहाँ आ जाइए, एक क्या आप सारी खा लीजिए, मेरा प्लेजर होगा मैं आप लोगों को खिला सकूं। अनिल जी बना लीजिए ना, इट हार्डली देयर आर वेरी लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स, बट आप देखिए इसका कितना प्यारा टेक्सचर है और यू विल डेफिनेटली लव इट। तो आई होप सीधा करो, थैंक यू विजय जैन जी, थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड यू गाइज लाइक्ड इट। तो मैं तो इसे अभी टेस्ट करने वाली हूँ लाइव सेशन, वैसे तो एसी चल रहा है बट काफी गर्मी है तो मैं तो इसे अभी टेस्ट करूंगी। आप लोगों को बनाना पड़ेगा तो प्लीज बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरी। थैंक यू गौरव जी, और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे तो मैं आपको आइसक्रीम्स भी सिखाऊंगी, केसर पिस्ता आइसक्रीम, राजभोग आइसक्रीम। वैसे मैंने अपने पेज पे रॉकी रोड आइसक्रीम, टूटी फूटी आइसक्रीम, कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम और भी आइसक्रीम्स शेयर की हैं एंड शरबत बनाए हैं। तो आप प्लीज़ चेक कीजिए, आप मेरे YouTube चैनल पे चले जाइए। आपको हाँ मैंने ये बनाई थी अपनी मौका क्रंच आइसक्रीम, अगर आप कॉफी लवर हैं तो आपको वो बहुत पसंद आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, इट वाज माय प्लेजर कि मैं आप सबके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज स्टे कनेक्टेड, इसी तरह से अमूल को प्यार देते रहिए, हमें प्यार देते रहिए, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम और सेशंस ले आएंगे। अमूल विल बी मोर देन हैप्पी कि हम शेफ्स आके आपके साथ और रेसिपीज शेयर कर सके। इसे शेयर कीजिए सेशन को, और साथ ही में जैसे कि मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की कि बदले में मैं सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे FB और Insta को फॉलो करें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन।